अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। हमारे लेवल यानी चेक करने के लिए वेरी फर्स्ट डे आपको मैं बताया था कि अभी चार दिन से आप ये इतना समझा रहे हैं, दिन में चार चार टाइम, तो अभी आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ के यानी हमारा हमें कितना समझ में आया है वो भी जरा आप पूछ लें। हमसे लगा है कि कैसा है वो ध्यान में आ जाएगा। नहीं, चार दिन में उन्होंने इतना मेहनत किया है ना, तो उतना अपने अपने को कितना ध्यान मिला होगा। हमने आपको पूछा, आप उनको पूछो क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। बोले ज्ञान किसको मिला? सामने बोला है उसके जब दो सामने ज्ञान किसको मिला? ज्ञान मिला किसको मिला? आप हमें ही दे रहे दान कर रहे यानी प्रकृति मालूम नहीं होता है, अभी शायद समझ में नहीं आता है, इतना नहीं समझ में आता है ना। वो तो सबकी अपनी मर्यादा, धीरे धीरे समझ में आएगा। वो कहते हैं दादा भगवान ने ज्ञान हमको दिया, किसको दिया? कि चंदू भाई को। फिर मैंने कहा चंदू भाई मर गया है, ज्ञान कहाँ जाएगा ना, कैसा करता है? नहीं समझ में आया क्योंकि और उत्तर नहीं है। पहले क्या कहा, ज्ञान किसने दिया लिया? चंदू भाई ने। फिर चंदू भाई मर जाएगा तो ज्ञान चला जाएगा ना, तो फिर ऐसा करता है क्योंकि उसके पास उत्तर। तो ये साइंस नहीं समझा, इसीलिए ज्ञान शरीर के माध्यम से प्रतिष्ठित आत्मा को होता है, इसको होता है। पर प्रतिष्ठित आत्मा को ही पुरुषार्थ करना है, यूज करना है, इसको तो यूज करना नहीं है। आप समझे? तो प्रतिष्ठित आत्मा को मिलता है प्रकृति, ये तो जड़ है। जड़ के पास ज्ञान नहीं होता है और जड़ को भी ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान अज्ञान विज्ञान जो भी होता है वो प्रतिष्ठित आत्मा से होती है। तो ये सब बातें हमने कभी सुनी नहीं है, सोची नहीं है, तो एकदम मालूम नहीं होता है। तो फिर मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ तो फिर लोगों को तकलीफ हो जाती है, इसलिए पूछता नहीं हूँ। फिर मैंने कहा अभी आप यू आर बिगिनर, तो इतना हार्ड एग्जाम देना अच्छी नहीं है। धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे, एकदम से नहीं मालूम होता है, देर लगती है थोड़ी। मतलब देर का मतलब होता है क्या कि अभी इस प्रकार से कॉन्सेप्ट से आपने बहुत कुछ सुना नहीं है और जीवन जीना शुरू नहीं किया है। मतलब जीवन जीने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो दृष्टि में आपने बार बार उपयोग नहीं किया है। तो हो सकता है नॉलेज के रूप में तो आ गए, प्रैक्टिकल नहीं आया अभी तक, तो गलती होने की संभावना है क्योंकि विज्ञान है, व्यवहार नहीं है। ये रिलेटिव सत्य नहीं है, सनातन सत्य है। यहाँ एच टू से पानी होता है वही चलेगा, एच वन से पानी होगा वो नहीं चलेगा, गोल गोल नहीं चलेगा। आप समझो? तो इसीलिए थोड़ी देर लगेगी अभी एग्जाम के लिए, तो मैं भी समझता हूँ इसीलिए नहीं लेता हूँ। कई जगह पे नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है मैं कुछ पांच प्रश्न करूंगा बेचारा फेल हो जाएगा। उसके लिए तो बियॉन्ड रहता है। यस, आपने कल बोला था कि दादा ने बोला था कि विज्ञान बाहर नहीं, वो तो आपके बारे में भी है, हमने तो प्रत्यक्ष सुना है, मगर आपके बारे में तो प्रूफ है लोगों के लिए जो जिन्होंने नहीं देखा है नहीं सुना है उसके लिए। बट द साइंस आप जो बोल रहे हैं वो उसमें से ही है और हैव यू गॉन बियॉन्ड दैट? ये बाल की टोच के बाहर का है। हाँ, टोच वाला तो निकलेगा, मेरे को क्या निकालना है उससे आगे का जो नहीं निकला है। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन था, इज इट अबाउट इट, साइंस वही है मगर जो नहीं निकला वो है। उनके पास भी यही साइंस था मगर वो नहीं निकला, मेरे पास निकला। और कोई आदमी हो तो फिर केवल ज्ञान निकाल लेंगे, तीर्थंकर निकाल लेंगे। साइंस तो एक ही है, निकालने वाले अलग अलग समय पर निकालते हैं। आप समझे ना? साइंस अलग अलग कार्य, साइंस के पहले कोई क्रिएटर ओनर नहीं होता है, इसीलिए मेरा साइंस वो सब्जेक्ट किसी का नहीं है और कोई बोल भी नहीं सकते। साइंस मेथड बोल सकते कि मेरी मेथड है, मगर साइंस किसी का, साइंस का कोई ओनर
नहीं होता है और क्रिएटर भी नहीं होता है, और जो क्रिएटर और ओनर जो बोलते हैं वो साइंस नहीं है। आप समझे, साइंस की उत्पत्ति नहीं होती है, वो एवरलास्टिंग होता है। जो उत्पत्ति और नाश होती है वो अवस्था होती है, वो रिलेटिव सत्य है, फिर वो यूनिवर्सल ट्रूथ। और इसीलिए कल कहा ना कि अक्रम और क्रम वो अवस्था है, इसमें साइंस वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कल किताब में से पढ़ा था मैंने, तो ऐसा है। इसीलिए साइंस मेरा है, साइंस दादा भगवान का है, साइंस महावीर का है। वो प्रश्न साइंस तो सनातन सत्य है, समय समय पे साइंटिस्ट साइंस को बताते हैं। समझ में आया, इसमें मेरा तेरा का प्रश्न नहीं निकला का मतलब ये नहीं था कि नहीं था उनके पास, नहीं निकला का मतलब संजोग नहीं थे। तो संजोग ना होना वो उनकी अनकैपेसिटी नहीं है, सरकमस्टांसेस नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे, संजोग नहीं निकला, पूछने वाले नहीं थे। और मीडिया के कारण लोग गाली भी ज्यादा देंगे, फिर इतनी यही मीडिया से विरोध करना है तो भी आसान हो गया है ना, दोनों तो प्लस माइनस पॉइंट है ना। तो वो तो खैर समर्थ पुरुष ऐसा सोचते नहीं है, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं तो भाव है लोगों के पास पहुँचे, मैं मीडिया का भी यही यूज़ करता हूँ। मैं अपने आप को पॉपुलर करने के लिए मैं मीडिया में उसको नहीं सेंड करता हूँ, ये मेरा सोच भी नहीं है पर सब्जेक्ट भी नहीं है। मगर कहीं सारे लोग आज पूरे विश्व के अंदर धर्म के माध्यम में इतने उलझे हुए हैं, खास करके यंग जनरेशन जिसको धर्म या धार्मिक परम्पराओं पसंद नहीं है, मगर ऑप्शन भी नहीं। उनके लिए विज्ञान उनके पास पहुंचे कैसे भी करके, सो दैट इज माय इंटेंशन एंड पर्पस, कैसे भी करके, यूट्यूब कहो और कोई मीडिया कहो, इंस्टाग्राम कहो, व्हाट्सएप कहो या टीवी कहो, पहुंचे, बस यही मेरा मकसद है। ये विज्ञान जो है लोगों के पास पहुंचे, आप समझे। और इसीलिए मैंने तो इतना छूट दे दिया है सभी महात्माओं को कि आप ये विज्ञान जानो, उपयोग करो, अनुभव करो, और वो आपका अनुभव दूसरे को शेयर करो। विज्ञान की टर्मिनोलॉजी में, रिलेटिव ट्रूथ की टर्मिनोलॉजी में नहीं, इतना मैंने पावर दे दिया, फिर कहाँ है मेरा। और इसमें नाम बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी साइंस मेरा नहीं है, साइंस का अनुभव मेरा है और वही साइंस का आपका अनुभव है, वो आप दूसरे को शेयर करते हैं। इसमें ओनरशिप की बात ही कहाँ है। तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आप भी दूसरे को ये साइंस बता सकते हो, आपकी भाषा में आपके अनुभव के एग्जाम्पल से बता सकते हो। तो इसीलिए मैं बिल्कुल ओपन हूँ इसके बारे में, कोई पजल नहीं है, आई एम वेरी क्लियर। और इसीलिए कहा कि ये साइंस कुदरती ऐसा निकला है, जो ज्ञानी पुरुष की जो भावना थी कि निष्पक्षपाती, क्या बताया, अभी साइंस को पक्षपाती कौन कहेगा, निष्पक्षपाती और सबके लिए सर्वमान्य है, क्योंकि ये धर्म और संप्रदाय को प्रोजेक्ट नहीं करता है, तो सर्वमान्य रहेगा और ये यूनिवर्सल ट्रूथ के बेस पर रहेगा, तो उसमें जो पक्ष पंथ वाड़ा है वो भी नहीं रहेगा। और केवल छह सनातन तत्वों के आधार पर ही है, केवल इसमें फॉर्मेट का कोई हिस्सा नहीं है। साइंस में व्यवहार में हो सकता है, साइंस में मैं मंदिर में जाऊं ये व्यवहार है, मैं खाना खाऊं वो व्यवहार है, आप समझे ना, मैं ये प्रार्थना कराऊं वो व्यवहार है, मगर जब प्रेजेंटेशन करता हूँ तुझे कहता हूँ साइंस का, वो व्यवहार नहीं है। क्या सब लोग बोलते थक गए क्या? और अभी ऐसा भी हुआ, मतलब अभी बात हुई कि दादा के टाइम पे इतना साइंस नहीं निकला था, तो मुझे ऐसा लगा कि पहले के टाइम पे लाइक
50 years पहले बिल्कुल हाँ लोग एक्सेप्ट करते थे, मतलब इतना तर्क नहीं निकालते थे जितना अभी की जनरेशन तर्क निकाल रही है। तो मतलब मेरी और राजन की आज मॉर्निंग में बात हुई थी कि अपने जो पेरेंट्स हैं वो उनके पेरेंट्स ने जो बताया वो सही मान लिया, ये तर्कित सवाल नहीं किए कि ये क्यों है ऐसा क्यों है, बट अपनी मतलब हम जब उसको तर्क कर रहे हैं तो पाप पुण्य बता रहे हैं इसलिए हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और इसलिए वो तर्क से और क्वेश्चंस निकलते हैं। मतलब मे बी वो रीजन से भी अभी लोग ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगे जो तो समय की मांग है। टाइम के वजह से ही कि पहले लोग अपने बड़ों को क्योंकि बच्चे खास करके यंग जनरेशन जो है वो धीरे धीरे धर्मों से विमुख हो रही है और रिस्पेक्ट करते हैं। व्यवहार से जाते हैं वो एक अलग बात है, मजबूरी से जाते हैं दुख से जाते हैं वो एक अलग बात है, मगर एक्चुअली वो अलग होती है उसके दूर हो रही है मगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। तो वो पिताजी को कहेंगे मैं यहाँ नहीं जाऊँगा तो ऑप्शन कोई है नहीं तो बोला तुम इधर भी हो जाओगे तो उसके लिए सहारा है कि नहीं भी विज्ञान मेरे को अच्छा लगता है मैं उसको फॉलो करता हूँ तो उनके पास ऑप्शन मिल गया। तो जिसमें कोई कंपटीशन कंपैरिजन नहीं है नहीं। और जिसमें कोई भेद नहीं है कि भाई ये धर्म सही ये गलत ये गुरु सही ये गुरु गलत ये भगवान सही ये गलत ये रिचुअल्स बराबर है नहीं है सब्जेक्ट निकल जाएगा तो उनके लिए आधार बन जाएगा। हाँ तो उससे नेक्स्ट जनरेशन को और थोड़ा सच्चे मार्ग पे जाने का एक पाठ मिलेगा कि पाप पुण्य नहीं है बट ये साइंटिफिक है इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं। इसमें लॉजिक है उसमें लॉजिक नहीं है, इसमें श्रद्धा ही है धर्म में तो श्रद्धा है आपको बिलीव करना हाँ, पड़ेगा। देयर इज नो लॉजिक अपने और आज के बच्चे बिना लॉजिक एक्सेप्ट नहीं करते हाँ, क्योंकि अपने पेरेंट्स ने कभी उनको क्वेश्चनिंग ही नहीं किया, यो एक वन काइंड ऑफ उसके संस्कार थे या जो भी था कि जो बड़ों ने बोला है पाप होगा पुण्य होगा उसके हिसाब से वो फॉलो करे। बट अभी नेक्स्ट जनरेशन मम्मी पापा को भी वो प्रकृति के हिसाब से वो सरल थे हाँ, डेवलपमेंट से नहीं हुआ हाँ, क्या नहीं हुआ डेवलपमेंट प्रकृति के हिसाब से अच्छे थे क्योंकि घर व्यवहार अच्छा चलता हाँ, था कोई क्लेश नहीं होता था हाँ, आप समझे ना, मगर डेवलपमेंट फिर नहीं होता है ना ऐसे। तो इसीलिए ये जब आपका आप जब थिंकर बनोगे तब सोचोगे तब आपको उत्तर मिलेगा तब आपका डेवलपमेंट बनेगा, नहीं तो बनेगा कैसे। यू फॉलो द मैकेनिकल ट्रेडिशन, उसमें ना आपकी सोच है ना आपका कोई स्पेशल पुरुषार्थ है आप समझे और नहीं आपके थॉट कोई एडवांस बनता है, यही मैकेनिकल प्रोसेस समझ आए। तो इसीलिए दुनिया के लिए पूरी सृष्टि के लिए मानव समाज के लिए एक नया विज्ञान जो लोगों को खास करके विचारक लोगों थिंकर लोगों को विचार करने के लिए मजबूर करेगा। भले शुरू में तो एक्सेप्ट करने में देर लगेगी उसमें कोई संदेह नहीं है, हर को लगता है अदा भगवान को भी जब 1958 में ये विज्ञान खुला हुआ तो 62 तक तो कोई पहचान नहीं सके, 4 साल तो ऐसे चले गए और 62 के बाद 70 तक क्या बताया 70 या तो 72 तक इतने लोग उसको समझ नहीं पाए कि ज्ञानी है, यानी 15 लोग आए जो सम्मेलन हाउसफुल हो गया आप समझे, वो भी ओकेजनली क्या बताए रेगुलर तो 2-4-5-6 लोग आते चले जाते आते चले जाते आप समझे ना, मगर आपको 50 लोग आ गए ऐसा नहीं होता था आप समझे ना। तो कहने का मतलब ये था उस समय भी लोगों ने इतने साल बाद भी नहीं पहचान सके, उसके बाद धीरे 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 प्रगति हो गई, फिर बड़ी बड़ी सिटी में गए अहमदाबाद से अहमदाबाद आए सूरत आए, पहले तो बम्बई बड़ौदा बम्बई बड़ौदा दो ही था आप समझे, फिर अहमदाबाद में आया फिर न्यूज़पेपर में आया पब्लिक में उसका फंक्शन रखा था ऑडिटोरियम में टागोर हॉल में, धीरे धीरे मतलब लोगों को जानकारी मिली, नहीं तो पहले जानेगा कौन, जब प्राइवेट ही था तो कौन जानेगा,
एक व्यक्ति दूसरों को व्यक्ति कहती थी ऐसा होता था, अभी लोग जानने लगे, उसके बाद धीरे धीरे लोगों की उसको पहचान हुई, बाद में पॉपुलर हुए। और इसके बाद ये निरुबेन ने टीवी के माध्यम से ज़्यादा पॉपुलर बनाया, ज़्यादा पॉपुलर बनाया। और मेरा टीवी का माध्यम है वो विज्ञान को पॉपुलर करना है। किसको करना है? विज्ञान। मतलब मेरे घर पे मेरी मम्मी ना वो जैनी है, तो इस पॉल्यूशन में हम लोग घर पे जाते हैं ना, तो मैं जाती हूँ अपना देरासर और ये सब रहता है ना, तो मैं उसको पूछती हूँ कि तुम जाते हो उपास भी जाते हो और एक घंटे का सामायिक करके भी आते हो, सामायिक व्याख्यान भी सुनते हो, तो क्या समझा? तो उनको कुछ नहीं मतलब तैयार होके जाते हो व्याख्यान में, महावीर जन्म हुआ तो लोग ऐसे ढोल ये करते फंक्शन मनाते हैं, पर मतलब तुमको एक्चुअल इतना आनंद आता है कि दिखाने के लिए ही वो सब क्रिएट करते हो, प्लस जेल में अपना कैसे कि सब पहन के जाते हैं अच्छा दिखा कपड़ा, हाँ अच्छा अच्छा। तो जो छोड़ना है उसके बदले मुंह बढ़ा रहे हो, एक्चुअल वो है ही नहीं ऐसा, तो उनको नहीं समझ में आता कि तुम ऐसे ही हो, मतलब तो वो गैप हो जाता है। वो पहले जमाने में क्या था कि भाई ये जैसे ये बर्थडे पार्टी होती है और बहुत सारी पार्टियाँ होती है, डेज मनाते हैं, वो मनाते नहीं थे, तो उस अभी तो मनाते हैं तो लोग उसको फेस्टिवल बोलते हैं, अभी तो धर्म में उस समय तो धर्म के अलावा कोई फेस्टिवल नहीं था, तो धर्म में ही थे कपड़ा पहनेंगे, पहने के कहा लाए तो हम पहनने का कब, तो धार्मिक प्रसंग आएगा तभी तो पहनेंगे, कब पहनेंगे, शादी तो रोज रोज होती नहीं है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है तो क्या करेंगे बेचारे, कपड़े तो लेके आए कब पहनेंगे, फिर घर पे पहनेंगे तो खराब हो जाता है, मतलब और घर में पहनेंगे तो कोई देखेंगे भी नहीं, बाहर जाएंगे तो भी देखेंगे। तो ये दिखावा तो जब कोई फेस्टिवल होता है तभी तो होगा, ये कौन पहनेगा, तो इसीलिए उनके लिए एक लिमिटेड जोन था, तो वो धार्मिक प्रसंग में ही तो पहनेंगे, उनके लिए कोई सोशल या ऐसे कोई बात नहीं थी जो आज इतने सारे डेज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें आप तैयार होकर जा रहे हैं, उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, एक ही माध्यम था धर्म या कोई सामाजिक प्रसंग, और तो कोई था नहीं, और वो भी सामाजिक में ज़्यादातर शादी का प्रसंग ही होता है, और तो कोई पहले नहीं था नहीं, और बाकी तो सब धार्मिक प्रसंग थे, तो धार्मिक प्रसंग में ज़्यादातर कपड़े पहन कर जाना अच्छा, बड़े बड़े फेस्टिवल में धार्मिक वही उसका मकसद रहता था, क्योंकि और कोई तो ऑप्शन था नहीं। आप परिसर में देखो तो भी लोग अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, एक एक मीडिया बनता है ना कि भाई यहाँ पहन के जाओ आप। देखो सिंपल बात है, हमारी जो प्रकृति है वो प्रकृति में तो बात है, जो पुरुष होते हैं इसमें मान क्या बताए, क्रोध और मान ये उनके बड़ी बात है, और स्त्रियों के अंदर लोभ और कपट बड़ी बात है। तो सिंपल बात है, हर जब बड़ा फंक्शन होगा समाज में परिवार में जहाँ भी होगा, तो जेंट लोग वो अपनी स्मार्ट प्लेट दिखाएंगे कि मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या कमाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यही बात करते रहेंगे। और लेडीज़ लोग कहती है कि मैंने क्या पहना है, मेरा ड्रेस कैसा है, दागिना कैसा है, मेकअप कैसा है, दिखती कैसी हूँ, चप्पल कैसा है, वो लोग देखें, दैट्स माई वैल्यू। तो दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, क्या है सब्जेक्ट क्या है, और अलग अलग सब्जेक्ट के मुताबिक वो काम करते हैं। आज भी सब्जेक्ट दोनों का वही है, ऐसा नहीं कि अलग हो गया है, दोनों का सब्जेक्ट वही है, इसमें थोड़ी समानता आ गई, क्या आ गई, पहले कपड़े फट जाते हैं तो नहीं पहनते थे, अभी फटका फटेला वो हृदय बन गए, इतना फर्क हो गया। तो क्या करेंगे, समय समय की बात है ना,